हेलो स्टूडेंट्स, 12th चैप्टर, थर्ड सम इन इन ट्राइंगल एबीसी, टू एंगल्स आर गिवन, फाइंड द थर्ड एंगल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वेदर द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। इसमें हमने क्या करना है, जैसे टू एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल निकालना है। तो टू एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं वो देखो। थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट, एंगल ए इज इक्वल टू 80, बी इज इक्वल टू 30, फाइंड सी। तो इसमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल में तीन एंगल होते हैं, तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के। तो इसमें एंगल तीन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एंगल सी हमने निकालना है, तो एंगल सी को हम एंगल सी रखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस 30 110 हो जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110। तो एंगल सी की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो जैसे इसमें हमें ये भी बताना है कि एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और राइट एंगल है। देखो एक्यूट एंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 से छोटे हो, और ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जिसमें 90 से बड़े हो, और राइट एंगल जिसमें 90 ही डिग्री का हो। तो ए एंगल 80 है, बी एंगल 30 है, सी एंगल 70 है। तो तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री दी है, एंगल सी 70 है, एंड ई एंगल फाइंड आउट करना है। तो वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमने निकालनी है इसमें, तो एंगल ए एज इट इज रखेंगे। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू प्लस 90 प्लस 70, 160 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 160। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो एक एंगल 20 है, एक 90 है, एक 70 है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ थर्ड पार्ट, एंगल सी गिवन है हमें, एंगल सी की वैल्यू 20 है एंड एंगल ए की वैल्यू 65 है, फाइंड बी करना है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू 65 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो एज इट इज आ जाएगी। एंगल सी की वैल्यू 20 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। इसमें ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे, 65 और 20, तो कितना हो गया, 85 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड करने, 85 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस 85, एंगल बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 8, 17 माइनस 8 9, तो 95। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 95। तो एक एंगल 20 है, एक 65 है, एक 95 है, तो 90 से बड़ा हो गया एक एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल का नाम भी जरूर लिखेंगे आप, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12.1 का 6th क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, इसमें से ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। थ्री एंगल्स हैं, एक एंगल 70 है, एक 45 है, एक एक्स है। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर रख देंगे हम, 180 डिग्री।
तो फर्स्टली ऐड करेंगे इनको 70 और 45 को 5, 7 और 4 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 115। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, 7 7 माइनस 1 6, तो 65 डिग्री आंसर आ गया। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले सम में भी था कि उसमें हमें ट्रायंगल नहीं बनी हुई थी, इसमें ट्रायंगल बनी हुई है, बस इतना फर्क है। इसमें तीन एंगल्स में से दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तीसरे एंगल को इन्होंने एक्स बोल दिया, तो एंगल 70 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 115 आएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का डायग्राम ये है। इसमें देखो तीन एंगल्स हैं, दो एंगल्स तो एक्स एक्स है और थर्ड एंगल 50 है, तो इसमें क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 50 तीनों को ऐड कर 180 के इक्वल लग देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्स और एक्स 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। इसमें क्या होगा, अब 50 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, अगर 50 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 50 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो उधर जाके माइनस का होगा 180, 50 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 में से 50 माइनस किया 130, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 65 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिग्री, ये हमारा आंसर होएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वो भी सिमिलर है इसी तरह से। थर्ड पार्ट क्या है, देखो इसमें तीन ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल की वैल्यू 3x होगी, इस एंगल की 2x, और इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है कि इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो इन तीनों को प्लस करेंगे 180 के इक्वल रखेंगे, तो पहले आएगा 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो अब ये 3x और 2x ये वेरिएबल्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे, 3x और 2x ऐड होकर क्या आ गए 5x, अब 180 ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 गए 90, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस 5, तो कट करके क्या आ गई 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, ये हमारा आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, ये हमारा आंसर है। नाउ हमारा इसी से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, सिक्स सम हमारा कंप्लीट हो गया, सिक्स सम के तीन पार्ट्स थे। थैंक्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12.1 का सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स में अलग अलग हैं, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो ये टू लाइंस का मतलब है, ये वाली लाइन एंड ये वाली साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, तो हम सम की तरफ आएंगे। तो देखो फर्स्ट सम यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट में देखो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ये दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं, तो इसमें हम पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, इस एंगल को हम ए मान लेते हैं, ए क्या मान लेते हैं ए, तो इस एंगल को ए मानेंगे, तो ए प्लस 115 इसका सम किसके बराबर होएगा 180 के। क्यों होएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है, देखो सेमी सर्कल में दो एंगल है, दोनों का सम 180 होगा, तो यहाँ पे इसका रीजन आएगा लीनियर पेयर। क्या रीजन आएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में जो भी एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल ए की वैल्यू आएगी 180 माइनस 115, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 1 6, 65 डिग्री एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू आने के बाद क्या होगा, देखो उसके बाद हमने x और y फाइंड करना है, तो x और y फाइंड करना है, तो x और y देखो जैसे ये दो लाइनें इक्वल हैं, तो इसके दो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसे इक्वल साइड्स है, इसका एंगल जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखेंगे,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे इक्वल साइड्स एंड आर इक्वल. तो इसमें देखो इस डायग्राम्स में एक्स के अपोजिट ये वाली साइड के अपोजिट एंगल एक्स है, ये वाली साइड के अपोजिट एंगल ए है. तो मतलब एंगल जो एक्स होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा. ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एंगल ए की वैल्यू होगी, एंगल एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 65. तो अब हमारे पास एंगल्स, अब इसके बाद हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जो हमने एंगल थर्ड एंगल माना है एंगल ए, उसका सम किसके बराबर रखेंगे 180 के. तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 65 हमने फाइंड आउट की है, एंगल वाई की 60, एंगल वाई तो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ए की 65 इज इक्वल टू 180. इसमें 65 और 65 ऐड हो जाएगा 130 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180. तो एंगल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130. तो एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री. तो इसमें एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू है, एंगल एक्स की वैल्यू 65 है, एंगल वाई की वैल्यू 50 है, आ गई हमारी. हमारा सम कंप्लीट हो गया. ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा. थैंक्स. हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेवन्थ का सेकंड पार्ट. सेवन्थ के सेकंड पार्ट में ये डायग्राम है, डायग्राम से हम इसको समझेंगे. इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. इसमें देखो एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, जैसे मीडियन हो गया ट्रायंगल का. तो ये टू लाइंस का मतलब ये साइड्स ये साइड के इक्वल है. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके इक्वल एंगल जो इसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा. इस साइड का अपोजिट एंगल ये एक्स है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है दिस एंगल. तो मतलब ये एक्स है तो इसको भी हम एक्स नोटेशन देंगे, ये एक्स है तो इसको भी हम एक्स बोलेंगे. तो अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल के हम ऐसे नाम लिख लेंगे ए बी सी डी. तो इस ट्रायंगल में देखो हाफ ट्रायंगल लेंगे पहले हम इन ट्रायंगल, पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी हम डायग्राम में नेम दे देंगे. ये एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हम रीजन बोलेंगे अगर एंगल सी इक्वल है तो एंगल बी भी इक्वल होगा. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा एक्स एक्स, अगर ये एक्स दिया हुआ तो ये भी एक्स होगा. तो नेक्स्ट इंटर एंगल ए बी सी में एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल भी एक्स है, तीसरा एंगल 50 है, तो वो उसकी वैल्यू 180 के इक्वल होती है. तो एक्स और एक्स 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180. तो ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 130. तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिवाइड बाय 2, तो कितनी आ गई 65. एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 65. अब ये वाले एंगल एक्स की वैल्यू 65 है. अब इधर वाले ट्रायंगल देखेंगे, इसमें इसको मैं इस वाले एंगल को मैं ए मान लेता हूँ, क्योंकि हमें ये भी तो निकालना ही पड़ेगा ना. इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ ए. तो देखो एक्स प्लस ए इसका सम किसके बराबर होगा 180. तो देखो ये इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसके सामने वाला ये होगा. अगर ये एंगल वाई है तो ये भी कितना होगा वाई होगा. तो इसमें क्या आएगा, पहले हम एंगल ए निकालेंगे. तो एंगल ए निकालने के लिए हम सम स्पेस ले लेते हैं, एंगल एक्स प्लस ए उसका सम किसके बराबर आएगा 180. एंगल एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है 65 प्लस ए इज इक्वल टू 130. तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 180. ठीक है, 180 माइनस 160 ओनली 65. तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 5 या कितना रह जाएगा 7 माइनस 6 115. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115. तो अब ए की वैल्यू 115 आ गई,
तो यहाँ पे एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल वाई और वाई 2y हो गया प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू तो हमने पता ही है, हमने निकाल ली, पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180। तो ये 115 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 115, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 115 माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5, या कितना रह गया 7 माइनस 1, सिक्स 65। तो y की वैल्यू कितनी आगे जाएगी, डिजिट में आएगी 65 डिवाइड बाय 2, तो कट करके कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये हमारा, इससे हमारा सिस्टम पूरा होता है।